है एवरी वन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल विच इज़ नेम्ड स्टे पेन फिन हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। आज की वीडियो है हम लोग एक मिनट में किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि दैट वी आर प्रेगनेंट और नॉट। तो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो प्लीज़ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन इज हमारा मोटिवेशन। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ठीक है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो बिकॉज आपका लाइक करना ही एक तरीके का ये भी मोटिवेशन मिलता है और ताकि इस तरीके की और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लेके आते रहें, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था व्हाट इज़ गर्भाशय ग्रीवा, व्हाट इज़ अ पोजिशन और किस तरीके से चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग एन ओवुलेशन, ठीक है। तो आज की वीडियो है किस तरीके से हम लोग पता लगाएंगे कि हम प्रेग्नेंट हैं कि नहीं विद इन अ मिनट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे गर्भाशय ग्रीवा की। आप सभी को पता है गर्भाशय ग्रीवा जो होती है वो हमारी बच्चेदानी और वेजाइना के बीच में प्रेजेंट होती है। एक डोनर जैसा मटेरियल होता है, एक तरीके का कहेंगे गेट होता है, बैरियर होता है बच्चेदानी और वेजाइना के बीच में, ठीक है। कोई भी एंट्री पैसेज के लिए बैक्टीरिया इन्फेक्शन किसी भी तरीके का उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी जो गर्भाशय ग्रीवा का है उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो गर्भाशय ग्रीवा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहेंगे इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर में, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि हम प्रेग्नेंट हैं कि नहीं हैं, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपको लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से आप चेक करेंगे आपकी गर्भाशय ग्रीवा जो है वो किस पोजिशन में है, हाई है, अप है, लो है, डाउन है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इट इज़ डाउन एंड ड्यूरिंग एन ओवुलेशन इट इज़ अप। दो आप उस टाइम पर अगर ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी के लिए तो आप आराम से प्रेगनेंट हो सकते हैं। बट यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है प्रेगनेंट हैं कि नहीं, वो किस तरीके से कंफर्म करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी गर्भाशय ग्रीवा को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम तीन चीज़ की, गर्भाशय ग्रीवा किस तरीके से प्रेजेंट होती है, किस तरीके से उसका टच करने पे किस तरीके से फील होगा, प्लस किस तरीके से उसमें तरल पदार्थ निकलेगा। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी गर्भाशय ग्रीवा जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। बट ये वेरी करता है हर उन महिलाओं में बिकॉज हर एक महिला की बॉडी टेक्सचर सब डिफरेंट होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी जो गर्भाशय ग्रीवा है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस दौरान कभी कभी किसी की एकदम हाई शिफ्ट हो जाती है, किसी किसी की थोड़ा सा माइनर डिफरेंस में ही शिफ्ट होती है। बट गर्भाशय ग्रीवा जो है प्रेगनेंसी में आपकी तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब बात करेंगे कि कैसे डिफरेंस करेंगे गर्भाशय ग्रीवा नीचे है कि अप है, बिकॉज कहने में तो अप है, अब कितना नीचे वो मैटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो नॉर्मली आप देखिए जब आपको पीरियड्स होते हैं तब आप गर्भाशय ग्रीवा को अपनी महसूस करिए। जब आपको अपनी जो टू फिंगर्स है मैंने पहले ही बताया था इन दोनों को इंसर्ट करिए। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हमेशा ही गर्भाशय ग्रीवा नीचे की तरफ होती है। तो उस दौरान अगर आप फील करेंगे कि आपकी जो गर्भाशय ग्रीवा है वो बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है, दैट मीन्स कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं। अब ड्यूरिंग एन ओवुलेशन भी गर्भाशय ग्रीवा अप होती है, ठीक है। बट जब आपके पीरियड स्किप हो जाते हैं एक दो हफ्ते तो आप सोचते हैं कि हम टेस्ट नहीं कर रहे, हमको तो डर लग रहा है कहीं नेगेटिव आया तो ऑलरेडी टेंशन बढ़ जाएगी। तो आप खुद घर पे टेस्ट कर लीजिए। उसमें आपको क्या करना है, गर्भाशय ग्रीवा के अंदर अपनी फिंगर को इंसर्ट करना है, ठीक है। देन आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी गर्भाशय ग्रीवा अप है, ठीक है। अब जो बेसिक डिफरेंस होता है वो हमको मेंस्ट्रुएशन और जो लोग मेंस्ट्रुएशन में चेक करते हैं महिलाएं, और जो लोग जो हैं आपके पीरियड्स स्किप हो जाते हैं एक दो हफ्ते बाद, मतलब दैट मीन्स कि यू आर प्रेग्नेंट, तब आप चेक करेंगे तो आपको दोनों में एक बेसिक डिफरेंस पता लग जाएगा कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बिकॉज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपकी गर्भाशय ग्रीवा नीचे की तरफ होती है एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एन ओवुलेशन आपकी गर्भाशय ग्रीवा जो अप होती है। ये तो बात हो गई कैसे फील करेंगे आप और ग्रुप में। नेक्स्ट आता है क्या टेक्सचर होगा उसका, जब आप उसको टच करते हैं तो किस तरीके से फील होगा। जब आप ड्यूरिंग नॉर्मली आप पीरियड्स के बाद टच करेंगे तो वो हार्ड तरीके का फील होगा, बट जब आप प्रेगनेंसी में टच करते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होगा, ठीक है। जस्ट लाइक योर लिप्स, लिप्स छू के देखेंगे तो पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट काइंड ऑफ फील होता है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी गर्भाशय ग्रीवा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, ठीक है। नॉर्मली हमने देखा था अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि आपकी जो ओवुलेशन के टाइम भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है और प्रेगनेंसी के टाइम भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। तो जब आप टच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी गर्भाशय ग्रीवा जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये तो बात हो गई टच किस तरीके से हमको पता लगेगा क्या उसका टेक्सचर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर तरल पदार्थ निकलता है तो। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आप सभी को पता है जो गर्भाशय ग्रीवा होता है उसका थोड़ा सा मुंह खुला होता है ताकि वहाँ से जो ब्लड है वो बाहर आ सके। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भाशय ग्रीवा का जो माउथ होता है वो बंद रहता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता अब किसी और बैरियर, मतलब एक बैरियर की तरह काम करता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कोई भी इन्फेक्शन वो ना आ पाए, ठीक है। तो वो एक तरीके का गेट कीपर है। बट अगर जब प्रेग्नेंट आप हो जाते हैं तो वो जो गेट है वो क्लोज हो जाता है।
दैट मीन्स के नो एंट्री ऑफ एन इन्फेक्शन, नो एंट्री ऑफ किसी भी तरीके का वायरस बैक्टीरिया, मतलब तमाम तरीके के वायरस और बैक्टीरियाज फंगल इन्फेक्शन जो बहुत ज़्यादा होते हैं उन सबको काफ़ी हद तक प्रिवेंट करके रखता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो हमारी गर्भाशय ग्रीवा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारे शरीर में, क्योंकि वो हमको बचाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में किससे, आपके किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल वेजाइनल फंगल, इतने तमाम तरीके के इन्फेक्शन होते हैं, इन सबको प्रिवेंट करता है हमारी गर्भाशय ग्रीवा। तो है ना, गर्भाशय ग्रीवा का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी जो गर्भाशय ग्रीवा है उसका माउथ जो है क्लोज हो जाता है, वो भी आप फील करके देख सकते हैं, प्लस उसमें से किसी भी तरीके का तरल पदार्थ निकलता, बट आपका जो म्यूकस होता है, जो वाइट कलर का जो तरल पदार्थ होता है, वो आपकी गर्भाशय ग्रीवा में इकट्ठा हो जाता है। और आप देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स ऑब्जर्व करती हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको वाइट कलर का काफ़ी ज़्यादा तरल पदार्थ आता है, दैट मीन्स कि दे आर प्रेगनेंट। इसलिए कहते हैं प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, बिकॉज आपकी गर्भाशय ग्रीवा है वो प्रोटेक्ट करती है आपकी बच्चेदानी को कि किसी तरीके से जो इन्फेक्शन है वो बच्चे तक ना पहुँच पाए। इसे गर्भाशय ग्रीवा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, तो ये जो बात हो गई तीसरी कि किस तरीके का उसमें तरल पदार्थ निकलता है, तो ये था बेसिकली कि आपको किस तरीके से पता, आप एक मिनट में पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कभी कभी जो गर्भाशय ग्रीवा होती है बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पैसेज इतना नहीं रहता है, इसलिए प्रेग्नेंट होने में भी दिक्कत आती है। काफ़ी महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है क्योंकि जो आपकी गर्भाशय ग्रीवा है उसमें स्टेनोसिस हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। ये किस तरीके से, ये किस कारणों की वजह से होता है, ये होता है मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं है फिर भी आपकी जो गर्भाशय ग्रीवा का जो मुंह है वो बंद है। ठीक है, वैसे तो प्रेगनेंसी में गर्भाशय ग्रीवा का मुंह बंद रहता है, बट और कौन से कारण है, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर और कौन से कारण की वजह से आपका जो गर्भाशय ग्रीवा है उसका मुंह बंद रहता है, उसमें होता है एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस के साथ साथ आपको किसी तरीके कोई स्कार टिश्यू अवेलेबल है तो, और कोई आपकी प्रीवियस सर्जरी हुई है उसकी वजह से भी आपकी गर्भाशय ग्रीवा का मुंह बंद रह सकता है। तो अगर गर्भाशय ग्रीवा का मुंह बंद है तो सोचिए कंसीव करने में कितनी दिक्कत होगी। इसकी वजह से पैथोलॉजिकल कंडीशन आने लग जाती है, जैसे कि आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, दैट मीन्स कि आप इनफर्टिलिटी सर्वाइव कर रही है, और इनफर्टिलिटी सर्वाइव करती है अगर आपकी गर्भाशय ग्रीवा का मुंह बंद है, बिकॉज गर्भाशय ग्रीवा जो होती है वो ही एक एंट्री पैसेज देती है स्पर्म को टू एंटर इन आवर बॉडी, बट इफ़ इट इज़ क्लोज देन हाउ कम ये आपको एंट्री देगा। इसलिए गर्भाशय ग्रीवा का मुंह खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इसका मुंह बंद रहता है तो आपके शरीर में एंट्री नहीं मिलेगी स्पर्म को। इसलिए बहुत ज़्यादा फीमेल दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, उनका जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि गर्भाशय ग्रीवा का जो मुंह है वो बंद रहता है। ठीक है, उसमें से ये कारण होता है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो भी ये इसमें से एक ये रीज़न होता है। अगर आपको इरेगुलर पीरियड है उसमें भी आपकी गर्भाशय ग्रीवा का मुंह बंद रहने की संभावना रहती है। तो ये तमाम तरीके के कुछ कारण होते हैं, उन कारणों की वजह से गर्भाशय ग्रीवा का मुंह बंद रहता है। और गर्भाशय ग्रीवा का अगर मुंह बंद रहता है तो वो और तरीके के आपको इनफर्टिलिटी प्लस इरेगुलर पीरियड्स पर एंडोमेट्रियोसिस, ये तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स और क्रिएट कर देता है। ठीक है, जांच होती है, पेल्विक एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपका पेप्समेयर टेस्ट होता है, और भी किस तरीके का एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसमें पता लग जाता है कि गर्भाशय ग्रीवा का मुंह किस तरीके से बंद है, खुला है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ तमाम तरीके की चीज़ें थी कि गर्भाशय ग्रीवा का जो मुंह बंद है वो प्रेगनेंसी के अलावा भी बहुत सारे जगह रहता है। और अगर आप इरेगुलर पीरियड से सफ़र कर रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी, मतलब बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और आप इनफर्टाइल हैं, मतलब आपका कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जाके ड्यूरिन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए रादर देन आप घर पर कुछ होममेड ट्राई करते हैं। ठीक है, हर एक एज के अकॉर्डिंग होता है, ऑलरेडी वीडियो बता चुका है, कृपया जाके उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में सिर्फ एक बेसिक तरीका होता है, बट स्टिल कुछ कुछ फीमेल्स में जाने मैंने बताया अब डाउन की पोजीशन का थोड़ा वेरिएशन रहता है, तो उसको आप कंफर्म कर सकते हैं वाया योर प्रेगनेंसी के टेस्ट एंड जस्ट नोटिस द चेंजेस विच यू आर गेटिंग थ्रू योर प्रेगनेंसी, मतलब ब्रेस्ट टेंडरनेस प्लस ब्रेस्ट स्वेलिंग प्लस नोजिया वॉमिटिंग एंड चेंज ऑफ टेस्ट इन अवर माउथ, ऑल दीज चेंजेस सजेस्ट करते हैं, कन्फर्म करते हैं दैट यू आर प्रेगनेंट। ठीक है, अगर आपको उस तरीके से कन्फर्मेशन नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली उसके बाद तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना ही है, बट जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बार बार इंसर्ट नहीं करना है फिंगर को, इन्फेक्शन हो सकता है, नेल्स वगैरह काट के एंड हाथ को वाइप करके देन आप करिए, उसके साथ साथ एक ही पोजिशन में चेक करिए, बार बार पोजिशन चेंज करके नहीं करना है, दिन में एक दो बार ही करिए, ज़्यादा बार नहीं करिए, उससे ज़्यादा आपको इन्फेक्शन के
जो बच्चेदानी उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ वेरी मच अबाउट हाउ टू कन्फर्म योर प्रेगनेंसी बाय डूइंग दिस टेस्ट, ठीक है। तो होप्स आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना, जैसे लोगों से शेयर करना, प्लीज़ चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको इतनी सी भी इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है ना सीरियसली, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन इज़ हमारा मोटिवेशन। जल्दी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।